खिद्यान सपनों की उड़ान। हेलो बच्चों, किड्यान पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना और आज की कहानी का नाम है जासूस जमील। नाम तो उसका जमील था पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी एकदम जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को कुछ खास तरह से टेढ़ा करता, चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखा करता, भले ही जिस चीज को वो देख रहा है वो कोई इंसान हो या पत्थर। जमील के बाल ना हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को बड़ा असरदार बनाती थी। खिसकते ढीली पतलून को वह कमर पर एक खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह बन गई थी उसकी बकरी कल्लो। हुआ यूं कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से दूध कम दे रही थी। जमील को शक हुआ कि कोई चोरी चोरी उनकी बकरी कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई थी नंदू पर। नंदू था जमील का हमउम्र और पड़ोसी। शक का कारण ये भी था कि नंदू अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि हो ना हो नंदू बकरी का दूध पीने के कारण ही तंदुरुस्त हुआ है। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चों कि बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर उसके देखने का कोई असर नहीं होता। इसीलिए अब जमील ने तय किया कि वह नंदू का पीछा करेगा और उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। इसीलिए अब वो जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास ही आम के आड़ में छिपकर बकरियों पर निगरानी रखने लगा। कुछ ही देर बाद जमील को बड़ी जोरों की प्यास लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। ये देखकर जमील को भूख भी सताने लगी। मन में आ गई फिर वही बात कि जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और आराम से सो गए। ये देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो ये बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का सारा दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू भी दूध निकालने बस आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल के पेड़ से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे।
बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लगता था बकरियों और बंदर दोस्त हो गए हों। तभी बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास आया और दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा आराम से दूध पीता रहा और कल्लो चुपचाप खड़ी उसे दूध पिलाती रही। जमील ने ये सब देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। ओह, तो ये मामला है। सारा दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को एक खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछे नजर से देखते हुए बुदबुदाया, तो अब पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना आखिर किसने सिखाया। तो प्यारे बच्चों, ये थी जासूस जमील की कहानी। अगर आपने भी कभी जासूसी से कुछ पता लगाया हो तो आप हमें भी बता सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।